आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सुबह से आज मतदान हो रहा था जो कि अब संपन्न हो चुका है। 10 जिलों की 57 सीटों पर आज मतदान हुआ। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। बताते हैं आपको 5 बजे तक जनता ने कितने प्रतिशत मतदान किया है। आपके स्क्रीन पे आंकड़े, 5 बजे तक 53.31% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 47.78% मतदान हुआ। कुशीनगर 54.99%, संत कबीर नगर 51.21%, देवरिया 51.51% मतदान हुआ 5 बजे तक। सिद्धार्थनगर 49.83%, बस्ती 55.49% मतदान हुआ है। बलिया 51.74% मतदान हुआ है। महाराजगंज 57.38% मतदान हुआ। अंबेडकर नगर 58.08% मतदान हुआ। गोरखपुर 53.90% मतदान हुआ। बलरामपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, सभी जगह आज मतदान हुए। बलरामपुर में 47.78% मतदान हुआ। सिद्धार्थनगर 49.83% मतदान 5 बजे तक हुआ। कुशीनगर 54.99% मतदान हुआ। तो मतदान आज बहुत कम देखने को मिला है, 50% के आंकड़े को ही बस पार कर पाया है। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। अमित, आज किन मुद्दों को देखते हुए जनता ने मतदान किया और जो ये प्रतिशत सामने आया, आंकड़े सामने आए 5 बजे तक, जनता ने इतने कम मतदान क्यों किए? तकरीबन 48% मतदान हुए हैं, जो लोगों ने विकास को लेकर, रोजगार को लेकर अपना मतदान किया। जी, कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहे आज जनता के? मुद्दे थे पहले, जैसे देहात क्षेत्र में रोड का निर्माण, बिजली का निर्माण और शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी तमाम जो मुद्दे थे इसको लेकर, महंगाई को लेकर, इसके बाद में लोगों ने अपना मतदान किया इस बार। जी अमित, क्या कहीं से ईवीएम खराब होने की या फिर लिस्ट में नाम ना होने की या फिर चुनाव बहिष्कार की कोई खबर सामने आई है बलरामपुर से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोपहर में 16 विधानसभा में एक ईवीएम गड़बड़ हुआ था, जहाँ उसे चेंज कर दिया गया था और तुरंत चालू हो गया था, लेकिन वहीं मतदाता सूची से कई जगहों पे नाम गायब है, इसकी शिकायत आ रही है। जी, अगर मतदाताओं की बात करी जाए तो क्या वृद्ध वर्ग के या फिर युवा वर्ग के, महिलाओं के सबसे ज्यादा वोटर कौन से दिखाई दिए आज मतदान केंद्रों पे? ज्यादा वृद्ध दिखाई दिए हैं। वृद्ध दिखाई दिए हैं, वृद्धों ने जागरूक भी किया है जनता को, तो क्या इसका असर देखने को मिला? युवा क्यों नहीं आज मतदान केंद्रों तक पहुंचे? क्या पलायन की वजह से मतदाताओं का, जो युवा मतदाता है उनका वोट कम देखने को मिला? युवाओं का जो ज्यादा नहीं गए हैं क्योंकि रोजगारी को लेकर, जो जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कुछ काम उनको रोजगार नहीं मिला, जो महंगाई को लेकर, ऐसी तमाम शिक्षा को लेकर, ऐसी उनकी शिकायतें थी, इस लेकर बहुत से लोगों ने मतदान नहीं किया है और ना गए हैं, वो बहुत से लोग बाहर चले गए, इस कारण वजह से मतदान 5 बजे तक 48% हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता बलरामपुर से अमित जुड़े थे। तो उन्होंने बताया कि कई मुद्दे रहे हैं, वो चाहे सड़क निर्माण के हो, शिक्षा के हो, विकास के हो, सभी मुद्दों को देखते हुए जनता ने वोट किया है। सबसे ज्यादा वृद्ध वर्ग के, बुजुर्गों ने इस बार मतदान किया है बलरामपुर में। और बलरामपुर के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, सभी जगह के 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 53.31% मतदान हुआ है 5 बजे तक। बलरामपुर में 47.78% मतदान हुआ 5 बजे तक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आनंद स्वरूप शुक्ला बैरिया से, तमाम जगह से आज जितने भी केंद्रों पे मतदान हुए हैं सभी पे आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। लेकिन अगर बात करी जाए मतदाताओं की, बड़े चेहरों की, मतदाताओं ने कहीं ना कहीं चेहरे देख के भी मतदान किया है। तो कुछ ने विकास के मुद्दों को और अन्य जो इस वक्त के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, किसानों की समस्याएं,
इन समस्याओं को देखते हुए खासतौर से बाढ़ की समस्या भी इस बार अहम रही है। बात करी जाए गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी से रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें टक्कर दी। इटवा की बात करी जाए तो डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे, ये दोनों में टक्कर रही भाजपा और सपा के बीच इटवा विधानसभा से। जय प्रताप सिंह एक बड़ा चेहरा है भाजपा के, बांसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करी जाए उनके प्रतिद्वंदी सपा से मोनू दुबे बांसी विधानसभा सीट से हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है। सूर्य प्रताप शाही भाजपा के उम्मीदवार रहे पथरदेवा से, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सपा से पथरदेवा पे चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। कपिल देव वर्मा भाजपा प्रत्याशी टांडा से, राममूर्ति वर्मा उनके सामने सपा प्रत्याशी टांडा से, अजय कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी हरैया से तो राजकिशोर सिंह बसपा प्रत्याशी हरैया से टक्कर देते नजर आए। कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, उनमें से एक है उपेंद्र तिवारी भाजपा से है, फेफना विधानसभा से लड़ रहे हैं। संग्राम सिंह सपा से फेफना से लड़ रहे हैं। धर्मराज निषाद भाजपा से, अकबरपुर विधानसभा से और राम अचल राजभर सपा से चुनाव लड़ रहे हैं अकबरपुर से। अवधेश द्विवेदी अपना दल बीजेपी गठबंधन से कटेहरी से, वहीं लालजी वर्मा सपा कटेहरी से चुनाव लड़ते नजर आए। लालजी वर्मा कटेहरी से सपा प्रत्याशी हैं। पीएन पाठक भाजपा से उम्मीदवार हैं, कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश प्रताप राव सपा से उम्मीदवार हैं और कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला जनता ने किया है। ईवीएम में कैद हो गया है, अब 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता के दिलों पर राज कौन करने वाला है 5 सालों तक। दयाशंकर सिंह भाजपा प्रत्याशी है, बलिया से चुनावी मैदान में है। नारद राय सपा से प्रत्याशी हैं, बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर असीम कुमार बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तमकुहिराज से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तमकुहिराज से चुनावी मैदान में है। केतकी सिंह बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी, बांसडी से चुनावी मैदान में। राम गोविंद चौधरी सपा से प्रत्याशी हैं, बांसडी से चुनावी मैदान में है। पलटू राम भाजपा से हैं, बलरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा से जगराम पासवान हैं जो कि बलरामपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला भाजपा से प्रत्याशी हैं, बैरिया से चुनावी मैदान में रहे। अच्छा खासा समर्थन है इन सभी बड़े चेहरों के पीछे, लेकिन जनता ने किसे चुना है ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जयप्रकाश अंचल जो कि सपा से उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी हैं और बैरिया से चुनाव लड़ते हुए नजर आए आज। जयप्रकाश निषाद इनकी भी, ये भी भाजपा से प्रत्याशी हैं और इनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हुआ है। रुद्रपुर में आज इनके लिए मतदान किया गया है। राम भुआल निषाद सपा से प्रत्याशी, रुद्रपुर से चुनावी मैदान में। श्री राम चौहान भाजपा प्रत्याशी हैं जो कि खजनी से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। रूपावती बेलदार सपा प्रत्याशी, खजनी से चुनावी मैदान में। सुरेंद्र कुशवाहा भाजपा से उम्मीदवार हैं, फाजिल नगर से ये चुनावी मैदान में उतारे गए भाजपा की तरफ से। तो वहीं इनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से उतारे गए फाजिल नगर से उम्मीदवार। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर किसके पाले में जाते हैं इस बार मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेके सतीश चंद्र द्विवेदी, जयप्रकाश, पलटू राम, लल्लू, श्री राम चौहान, राम भुआल निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी आज सभी की किस्मत का फैसला हुआ है। 5 बजे तक के प्रतिशत सामने आए हैं, 53.31% मतदान हुआ है। 2017 के चुनावों की बात करी जाए तो कुल 48 सीटें बीजेपी को मिली थी, जिसमें से 2 गठबंधन की सीटें थी और 46 सीटें बीजेपी के पाले में थी। तो कुल 48 सीटें बीजेपी को मिली थी 2017 में, लेकिन SP के पास 2 ही सीटें रही थी इन चरण में। BSP के पास 5, कांग्रेस के पास 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, बाढ़, बिजली संकट, ये सब मुख्य मुद्दे रहे हैं इस बार के चुनाव में। 10 जिलों के 57 सीटों पे आज मतदान संपन्न हुआ, 676 उम्मीदवार मैदान में रहे। अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में आज चुनाव हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा है पलायन, रोजगार के लिए लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन करते हुए नजर आते हैं। ये वो जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन होता है और सबसे ज्यादा मार यहीं के लोगों को पड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे। किसानों की समस्याएं भी मुख्य रूप से देखने को मिली है
और किसानों की समस्या को इस बार चुनावी मुद्दा भी बनाया गया है। सभी ने दावे वादे किए, मैनिफेस्टो में भी किसानों का मुद्दा उठाया है कि कई काम किए जाएंगे किसानों के लिए, लेकिन क्या ये चुनावी दावे वादे सच होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन दावे वादे जरूर किए गए हैं हर पार्टी की तरफ से। महिलाओं का मुद्दा भी अहम रहा है, महिलाओं के लिए भी एक अलग जगह रही है मैनिफेस्टो में, सभी के मैनिफेस्टो में। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जो पूर्वांचल की रणभूमि पर लड़ी जा रही है। 5 चरण में सूबे की 403 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हुआ और बाकी जो बची हुई सीटें रहेंगी उनपे 7 मार्च को चुनाव होगा और उसके बाद जो है 10 तारीख को इनके परिणाम सामने आ जाएंगे। यूपी के 6 चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर 3 मार्च को यानी आज मतदान संपन्न हो चुका है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया और बलिया, इन सीटों पर चुनाव हुआ है। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इन चरण के बाकी जिले काफी मुख्य माने जा रहे हैं। और अगर बात करी जाए गोरखपुर की तो यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है 7वें और अंतिम चरण में। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र की कुल 54 सीटों पर मतदान होगा। आजमगढ़, मऊ और जौनपुर जिले सपा के गढ़ माने जाते हैं, जबकि अम्बेडकर नगर और बलिया को छोड़कर बाकी जितने भी जिलों पे आज मतदान हुआ है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के लिए काफी आसान माना जा रहा है आखिरी चरण, जो आखिरी के 2 चरण है वो बीजेपी के लिए काफी आसान माने जा रहे हैं। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के अभी तक के 5 चरण के जो चुनाव, आज के जोड़ के 6 चरण के जो चुनाव हो गए हैं, भले ही सब अलग अलग मुद्दे उन पे हावी रहे हो, लेकिन पूर्वांचल में जाति के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जा रहा है। माना जाता है कि पूर्वांचल में दलित, ओबीसी, वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया सत्ता उसी की हुई। 2017 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो बीजेपी इन्हीं दोनों समुदायों को साध कर इतिहास रचने में कायम रही थी और ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों को साधने के लिए तमाम जतन कर रही हैं इस बार। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मतदान खत्म हो चुका है लेकिन क्या मतदान खत्म होने के बाद यानी 6 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखी? जी बता दें, 5 बजे तक का डाटा था इसमें पेपर पर्सन वोट हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक डाटा नहीं आया है जो करीब 7 बजे के आसपास आएगा। और यहाँ पे हम मतदान केंद्र पे खड़े हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है, पूरी तरह से मतदान केंद्र खाली हो चुका है, कोई भी नहीं है। और अब आंकड़ा लगाया सकता है कि 60% के आसपास की वोटिंग हुई होगी। जी, जिस तरह से आज की वोटिंग हुई है किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की गई है और सबसे ज्यादा उत्साह कौन से वोटरों में देखा गया? देखिए, आज देखा जाए तो युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह था और महिलाओं में। अब मुद्दा सबसे अधिक यहाँ पे रोजगार का था और इसके साथ ही साथ राम मंदिर और महिला सुरक्षा। सीएम योगी खुद इस बार चुनावी मैदान में है हिमांशु, वो उनका गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और ऐसे में चंद्रशेखर रावत जिस तरह से उनको सीधी टक्कर देते हुए नजर आए हैं तो क्या लगता है कितनी परेशानियां रही होंगी चंद्रशेखर रावत के लिए? देखिए, चूंकि योगी के गढ़ में है और चंद्रशेखर रावत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है जिससे कि वो इस चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाए। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, इस वजह से आस्था का केंद्र है गोरखनाथ और लोग जुड़े हुए हैं उससे, तो चंद्रशेखर रावत के लिए राह बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा बस ये कि आंकड़ा क्या है दोनों के बीच में जीत हार का। अगर बात करी जाए बाकी दलों की तो बाकी दलों द्वारा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सीएम के सामने क्यों नहीं उतारा गया? क्या सभी को अपनी हार का डर था? जी हाँ, यहाँ बात करें गोरखपुर सदर की, जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ को दिख रहे हैं, जब भी उतरते हैं तो किसी भी प्रतिद्वंदी से जीत का आंकड़ा 1-1.5 लाख वोटों का होता है। ऐसे में कोई उनके सामने उतरना नहीं चाहता है, सभी पार्टियां अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा नहीं पाती। क्या सारे विधानसभा सीटों पे बीजेपी का वर्चस्व दिख रहा है गोरखपुर में या फिर कहीं पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? कांग्रेस और बीएसपी के पास भी कोई सीट जा सकती है?
पिछली बार देखें तो नौ विधानसभा में से 8 सीटें बीजेपी ले गई थी, जबकि इस बार भी ये कोशिश कर रही है बीजेपी की 9 के 9 सीट ले जाएं, लेकिन अब इसमें कई सीटों पे लड़ाई है, जैसे कैंकरगंज में लड़ाई है काजल निषाद की और फतेह बहादुर सिंह की, इसके अलावा ग्रामीण में आप देख लें विपिन सिंह की और सपा की लड़ाई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके इस बार वोट किया गया है। बार अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की परीक्षा रही। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की भी आज किस्मत कैद हुई है ईवीएम मशीन में, तो कई दिग्गज ऐसे रहे जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है, जो कि ईवीएम में कैद हो चुका है। 10 तारीख को मतगणना के बाद पता चलेगा कि आखिर किसने किसको टक्कर दी और कौन ज्यादा मतों से जीता है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।